नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान, आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। शुरुआत करते हैं तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल विधानसभा में पेश करेंगे बजट, प्रदेश की जनता को बजट से हैं काफी उम्मीद। सीएम ने आज बजट को दिया अंतिम रूप, सीएस समेत तमाम अधिकारी रहे मौजूद। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले अविनाश पांडे, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में हुई चर्चा पर दिया गया फीडबैक। प्रियंका गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजने पर भी हुई चर्चा। विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही प्रश्नकाल में उठा पालनहार योजना का मुद्दा, सरकार ने कोई शिकायत मिलने और जांच से किया इनकार। गुलाब सिंह कटारिया ने कहा सदन के सदस्यों और धारीवाल को एक बार उनके वक्तव्य को पढ़ लेना चाहिए। कटारिया ने कहा कि वो वक्तव्य को पढ़ने के बाद स्पीकर को फैसला करने का अधिकार देते हैं। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई का भ्रष्ट अफसरों पर नहीं हो रहा असर, डूंगरपुर में अवैध वसूली करते जी मीडिया के कैमरे में कैद हुए परिवहन विभाग के अफसर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लोहा लेते शहीद हुए अलवर के लाल अजीत सिंह का बहरोड पैतृक गांव गंडाला में सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, इस दौरान हजारों की संख्या में मौजूद रहे ग्रामीण। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के एमडी नवीन जैन ने समय पाबंदी के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए, अब कर्मचारियों और अधिकारियों के समय पर नहीं पहुंचने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जयपुर में शिक्षा मंत्री से मिले कायम खानी समाज के लोग, गोविंद सिंह डोटासरा को समाज की समस्याओं से कराया रूबरू, सौंपा ज्ञापन, समस्याओं के उचित समाधान का मंत्री ने दिया आश्वासन। प्रदेश में परिवहन विभाग में मासिक बंदी के खेल में एसीबी ने 34 लोगों को किया नामजद, 17 अफसर कर्मचारी हैं, 12 दलाल हैं, 5 सिक्योरिटी गार्ड भी इसमें शामिल है, 15 गिरफ्तार किए जा चुके हैं जिनसे पूछताछ लगातार जारी। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी के ऐतिहासिक बुद्धगिरी बाबा की मढ़ी पर चल रहे धार्मिक कार्यक्रम के तहत फागोत्सव का किया गया आयोजन, दौरान लोक कलाकारों ने चंग की थाप और बांसुरी की धुन पर एक से बढ़कर एक कार्यक्रम पेश किया। श्रीगंगानगर में गढ़साना मंडी के मुख्य बस स्टैंड पर राजस्थान पथ परिवहन निगम के परिचालकों के साथ निजी वाहनों के ऑपरेटर झगड़े पर उतारू हो जाते हैं, झगड़ा यात्रियों और बस रूट के लिए होता है। नगर निगम जयपुर हेरिटेज का मुख्यालय अप्रैल तक नए बोर्ड के लिए तैयार कर लिया जाएगा, पुराने पुलिस मुख्यालय में शुरू होने वाले इस भवन में मरम्मत के साथ ही नए निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं, दरअसल 18 अप्रैल तक जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर के चुनाव संपन्न होने हैं। उदयपुर में जेब खतरों का आतंक, सब्जी मंडी में गायब हो रहे हैं पर्स और मोबाइल, सीसीटीवी में कैद बाजार। अलवर के कठुमर थाने में मंगलवार को एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी और एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म के दो अलग अलग केस दर्ज किए गए, पुलिस ने धारा 376 DA और धारा 376 IPC के तहत केस दर्ज किया, पीड़ित का निरीक्षण भी करवाया गया। बाड़मेर में धोरीमन्ना पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने, पुलिस कस्टडी से चोरी का आरोपी हुआ फरार, आरोपी निबाराम को 2 दिन पहले ही धोरीमन्ना पुलिस ने बकरा चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे में चोरों ने दिन दहाड़े यूको बैंक परिसर में रुपए से जमा करवाने पहुंचे एक ग्रामीण के सारे रुपए चुरा लिए, एक नकाबजन युवक पलक झपकते ही ग्रामीण के थैले से 1,68,000 रुपए का उसने नकदी पार कर दी। जयपुर के बस्सी में खनन JDA और पुलिस की कार्रवाई दिखाई पड़ी है, अरावली पहाड़ियों में पत्थर के बाद खनन पर की गई कार्रवाई, मौके से 6 वाहन किए गए जब्त, खान की तरफ जाने वाले रास्ते को भी किया गया अवरुद्ध। चूरू के सरदार शहर तहसील के गांव गड़सीसर में एक प्रेमी युगल ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली, फिलहाल पुलिस मामले की कर रही है जांच। बयाना के गांव नगला पुरोहितान निवासी चाचा भतीजे का शव सुबह वैर रोड पर एक सड़क किनारे स्थित कुएं से बरामद किया गया, दोनों खेत में पानी देने के लिए गए हुए थे, किसान को जब कुएं में बदबू आई तो वो टॉर्च जलाकर उसने जब अंदर देखा दोनों के शव पड़े हुए थे। मानसूर के हरसोरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, ये सभी अपने खेत में जुताई कर रहे थे, सभी कुछ महिलाएं और पुरुष भी वहां पर आ गए और लाठी सरिये और बंदूक से उन्होंने हमला कर दिया। बरगे रेलावन गांव में पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापे मारकर 5 जुआरियों को किया गिरफ्तार, 35,960 रुपए भी बरामद।
जोधपुर के तिवरी के मथानिया थाना पुलिस ने रिनिया गांव में एक खेत में दबिश देकर अफीम के 355 पौधे किए जब्त, एक युवक गिरफ्तार। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने पिछले दिनों मौजपुर गांव के बस स्टैंड पर लगे टाटा इंड कैश कंपनी के एटीएम को गैस कटर से काट कर ले जाने की कोशिश करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। 4 सदस्य गैंग के गिरफ्तार किए गए। चूरू के तारानगर रोड पर सहजूसर गांव के पास एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कुछ सवारियों को मामूली चोट भी आई है, कंडक्टर भी घायल। जोधपुर के अखाधना गांव में मंगलवार दोपहर बाद हुए एक हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे कहा जा रहा है कि बकरियां चरा रहे थे, इसी दौरान हाई टेंशन ट्रांसमिशन तार में उलझ गए। बापूखंड के अखाधना गांव में मंगलवार दोपहर बाद हुए दर्दनाक हादसे के बाद शव नहीं उठाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों ने देर रात 1:30 बजे तक दोनों के शव उठाए। इंदिरा गांधी नहर बंदी के मामले में कहा जा रहा है कि पहली बार इतना लंबा वक्त रहेगा जब नहर बंद की जाएगी। दरअसल 70 दिन की नहर बंदी होनी है, 2 दिन के अंतराल में पानी की सप्लाई की जाएगी और ऐसे में 25 दिन तक पेयजल सप्लाई करना विभागीय अधिकारियों के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। बारा के सूरखंड खुर्द गांव में आजादी के बाद से अब तक सड़क नहीं बनी है, लोग हो रहे हैं काफी परेशान। अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने धोरीमन्ना के बोलों का ढेर, भुलीसर, जालबेरी और राणासर गांवों का किया दौरा। टिड्डी हमले से फसल खराबे का लिया गया जायजा। झालावाड़ जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चौमहला में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता गंगधार तहसीलदार बालचंद मीणा ने की। झुंझुनू में अजमेर डिस्कॉम के जोनल चीफ इंजीनियर अशोक कुमार गुप्ता का प्रमोशन हुआ है। गुप्ता के प्रमोशन पर जिले भर के बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों ने खुशी का इजहार किया। झुंझुनू के मंडावा मोड़ पर एक महिला शिक्षिका ने करीब 1/2 घंटे तक उत्पात मचाए रखा, जिसके कारण सबसे व्यस्ततम क्षेत्र मंडावा मोड़ पर जाम लगा रहा। शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाईमाधोपुर के छात्र संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्र संघ पदाधिकारी महाविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सीकर के जिला कलेक्टर यज्ञमित्र सिंह देव खंडेला उपखंड के दौरे पर रहे, इस दौरान उन्होंने पुलिस थाना, पंचायत समिति और उपकोष कार्यालय का किया निरीक्षण। इसके बाद जिला कलेक्टर ने भातवाड़ी ग्राम पंचायत पहुंचकर रात्रि चौपाल में जनसुनवाई भी की। कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने आज बूंदी जिला कलेक्टर का पदभार संभाल लिया और अधिकारियों के साथ शिष्टाचार के तहत भेंट भी की। झालावाड़ में पिड़ावा नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 के उपचुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया, बीजेपी के पीयूष जैन 102 मतों से विजयी रहे। बारह में देर शाम भीलवाड़ा से पहुंची हनुमान जी की भव्य प्रतिमा का जगह जगह श्रद्धालुओं की तरफ से हुआ स्वागत, पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। 38 फीट की हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। जयपुर में सेंट जेवियर स्कूल के पूर्व छात्र पुष्पेंद्र सिंह की पहली पुण्यतिथि के मौके पर एक विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया। सेंट जेवियर स्कूल की जेवियर एलुमनाई ऑफिस में हुए इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में एलुमनाई विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया। ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली प्रदेश की बेटी भावना जाट का एशियाई प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम के जरिए सिलेक्शन किया गया है। 20 किलोमीटर पैदल चाल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए भावना ने टोक्यो ओलंपिक का टिकट कटवाया है। और एक बड़ी खबर के बाद शाहीन बाग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार साधना रामचंद्रन, संजय हेगड़े शाहीन बाग पहुंचे हैं। आपको बता दें कि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से उनकी वार्ता हो रही है, आप देखिए सीधी तस्वीरें भी आ रही हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है इन लोगों की तरफ से ये भी सुनेंगे। और निश्चित रूप से 2 महीने से जो सड़क बंदी चल रही है उसमें ये कहा जा रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से, गृह मंत्री से मुलाकात शाहीन बाग के ये प्रदर्शनकारी करना चाहते थे, लेकिन पहुंचे भी थे गृह मंत्रालय, मौका नहीं मिला बात करने का। उसके बाद ये भी स्पष्ट हुआ क्योंकि याचिकाएं लगाई गई थी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक पैनल बनाया गया जो अब शाहीन बाग में पहुंचा है बात करने के लिए। शाहीन बाग में आप देखिए तस्वीरें, जब साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े
15 दिसंबर से ही ये रोड बंद है और शाहीन बाग में रोड बंद है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप बात करें शाहीन बाग के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे, और निश्चित रूप से इतनी ज्यादा तादाद है वहां पर, सभी लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और इस बीच वार्ता किस रूप में आगे बढ़ पाएगी और किस तरीके से ये वार्ता हो पाएगी ये देखना होगा। तो काफी कुछ स्थितियां यहां पर बदहाल होती हुई पिछले 2 महीने के भीतर दिखाई पड़ी हैं। जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ हमने देखा कि जी मीडिया के साथ भी किस तरीके की बदसलूकी हुई। पूरा मामला जामिया से जुड़ता हुआ निकल कर सामने जब आया, कई तरीके की बातें कही जाने लगी, राजनीति भी खूब हुई, इसी बीच चुनाव भी निपट गए, चुनाव के दरमियान बहुत सारी बातें कही जाती रहीं, लेकिन एक तरफ से ये मामला दिल्ली के भीतर चलता रहा। शाहीन बाग बैठ जाओ आराम से, नहीं सुनो एक आदमी बैठा उसे दे दो माइक, सारा मत जाओ। हाँ मैं दूंगा जरूर, चुनाव भी जाओ। और चलिए एक बार फिर से बढ़ते हैं फटाफट खबरों की तरफ। टोंक कृषि उपनिदेशक महेश कुमार शर्मा ने निवाई क्षेत्र का किया दौरा, झिलाए, करीरिया, नौहट्टा, भरथला, जामडोली क्षेत्र में फसलों की स्थिति का जायजा लिया, तो शिविर में मौजूद किसानों को जैविक खेती के महत्व के बारे में जानकारी दी। नागौर नगर परिषद के पूर्व सभापति कृपाराम सोलंकी के निधन से खाली हुई वार्ड 13 की सीट पर वार्ड वासियों ने सोलंकी के बेटे प्रवीण सोलंकी को जिताकर इसी परिवार पर विश्वास जताया। बांसवाड़ा के तलवाड़ा कस्बे के लोग इन दिनों ठेकेदार की लापरवाही के चलते परेशान हो रहे हैं। सड़क के एक साइड की नाली बंद है तो दूसरी साइड पर बनी नाली में सड़क का सीवरेज का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। राजस्थान में सरकारी बदली, व्यवस्थाएं बदली बदली से नजर आती है, मंत्री बदले, अधिकारी भी बदले, लेकिन अजमेर के कमला नेहरू टीबी अस्पताल के हालात जस के तस बने हुए हैं। अस्पताल अव्यवस्थाओं का शिकार है, मरीज अपनी बीमारी से कम, अस्पताल में फैली गंदगी और गंदे पानी से ज्यादा परेशान। हिंदू आतंकवाद पर कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग हुई तेज, अधीर रंजन चौधरी बोले मक्का ब्लास्ट के बाद हुआ हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल, बीजेपी ने पूछा दिग्विजय सिंह थे क्या इसे के मददगार। चेन्नई में नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन, तमिलनाडु सचिवालय के बाहर जुटे हजारों प्रदर्शनकारी। प्रदेश में अवैध बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, राज्य सरकार को बजरी खनन पर रोक के लिए दिए निर्देश, 4 हफ्ते में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश। जम्मू कश्मीर के त्राल में एक एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, फिलहाल सुरक्षा बलों ने शव बरामद कर लिए हैं। हैदराबाद के 127 लोगों को आधार के नोटिस पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा क्या यूआईडीएआई को किसी से नागरिकता प्रमाण मांगने का है अधिकार, नोटिस गैर संवैधानिक और बर्दाश्त से बाहर। दिल्ली में आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक, रामलला को गर्भगृह से अस्थायी मंदिर में ले जाने की है तैयारी। भारत दौरे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा मोदी मुझे बहुत पसंद लेकिन भारत के साथ अभी ट्रेड डील नहीं। सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की कमेटी की अहम बैठक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पर होने वाली डिफेंस डील्स को मिल सकती है मंजूरी। दिल्ली में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक, ट्रस्ट के सदस्य शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती के मुताबिक हिंदू नववर्ष से राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। यूपीए नकल रोकने के दावों पर बड़ा सवाल, मऊ में स्कूल के प्रबंधक ने दिए खुलेआम नकल के टिप्स, कहा बिना डरे नकल करो।
जम्मू कश्मीर में अब 5 मार्च से पंचायत चुनाव नहीं होंगे। सुरक्षा कारणों से पंचायत चुनावों को टाला गया। 2-3 हफ्ते में जारी हो सकता है नया स्केड्यूल। मुंबई में एक और बैंक घोटाला आया सामने। नवी मुंबई में करनाला कोऑपरेटिव बैंक में 513 करोड़ का घोटाला। 76 लोगों के खिलाफ FIR हुई दर्ज। पहलवान सुनील को एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल। ग्रीको रोमन 87 किलोग्राम वर्ग में किर्गिस्तान के आजाद सालिदनोव को 5-0 से दी मात। इंस्टाग्राम पर भारत में विराट कोहली के सबसे ज्यादा 5 करोड़ फॉलोअर्स। प्रियंका चोपड़ा दूसरे नंबर पर 20 करोड़ फॉलोअर्स के साथ। रोनाल्डो सबसे आगे। सचिन तेंदुलकर को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में मिला लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड। 2011 वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट के लिए किया गया सम्मानित। कर्नाटक में उडुपी के सूर्य चंद्र कंबाला में निशांत शेट्टी ने 9.52 सेकंड में ही तय की 100 मीटर की दूरी। ये स्पीड श्रीनिवास गौड़ा से भी 0.03 सेकंड कम। कोरोना वायरस से चीन में मरने वालों की तादाद 2000 के पार। रूस ने चीनी नागरिकों की एंट्री पर लगाई रोक। ग्लोब मास्टर C-17 विमान वुहान में फंसे भारतीयों को लाएगा। चीन में फंसे भारतीयों को लाने वुहान जाएगा वायुसेना का ग्लोब मास्टर। वुहान कोरोना वायरस का मुख्य केंद्र। C-17 ग्लोब मास्टर वायुसेना का सबसे बड़ा दीवार। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में धार्मिक रैली में हुआ बम धमाका। 8 लोगों की मौत। 23 लोग हुए घायल। विस्फोट तब हुआ जब कोर्ट के पास क्वेटा प्रेस क्लब में प्रदर्शन चल रहा था। बीती रात पाकिस्तान के कराची में गैस लीक से हुआ बड़ा हादसा। 62 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 48 घंटे पहले ही 14 लोगों की हुई थी मौत। अमेरिका के मिसिसिपी में बाढ़ से भारी तबाही। घर खेत सब पानी में डूबे। लोगों को भारी परेशानी। बड़े इलाके में बिजली संकट भी गहराया। चिले में 41 मीटर ऊंचे झरने पर नाविक ने दिखाया कारनामा। स्पोर्ट्स नाव से पार किया वॉटरफॉल। डेनमार्क में लाइट फेस्ट के बीच किया गया दौड़ कंपटीशन का आयोजन। आर्ट के तौर पर लाइट का हुआ इस्तेमाल। सर्दी के बावजूद पहुंचे सैकड़ों लोग। अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर जारी की अपनी और कटरीना की तस्वीर। 10 साल पहले रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी में दोनों आ रहे थे साथ। अगले महीने फिल्म होगी रिलीज। बॉक्स ऑफिस पर लुढ़की कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की फिल्म लव आजकल। अब तक कमाए सिर्फ 31 करोड़ 26 लाख रुपए। एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। दरअसल जयपुर ग्रामीण पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अंतर्राज्यीय कुख्यात धर्मा सुल्तान गैंग को दबोच लिया है और यह भी कहा जा रहा है कि हार्डकोर बदमाश इसमें गिरफ्तार किया गया है।